हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर स्टडी। फ्रेंड्स, आज पढ़ने चल रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, भूतकाल, अपूर्ण काल। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान देख लेते हैं पहले। तो इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे, रही थी, इत्यादि। फ्रेंड्स, की पहचान क्या होती है? इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे, रही थी आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक, है ना, सकारात्मक वाक। तो पहले रूल ऑफ ट्रांसलेशन देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाच वर्ब, वाच वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब फ्रेंड्स क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थात वर्ब की चौथी अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में वर्ब की चौथी अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही सी इट और एंड आई के साथ, आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन में? ही सी इट आई और कोई अकेला व्यक्ति, जैसे विद्यार्थी नहा रहा था, लड़का रो रहा था। तो इसके साथ हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब में? वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट किस कौन कौन से हैं? दे, We, you, है ना, दे वी यू, या ऐसा नाउन जिससे प्लूरल सब्जेक्ट होने का आभास हो, जैसे लड़के नदी में नहा रहे थे, है ना, क्रिया हमारी बता रही है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है लड़के, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, है ना, क्रिया से मालूम हो रहा है कि अध्यापक क्या है, बहुत से है ना, किसान खेत में कार्य कर रहे थे, या एंड से दो सिंगुलर नाउन क्या हो, जुड़े हो, जैसे मोहन और सोहन, है ना, मोहन सोहन, सीता और गीता, है ना, विद्यार्थी नहा रहे थे। इस प्रकार क्या होता है, इसके साथ क्रिया में वर का प्रयोग करेंगे, वर, है ना। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। वे कक्षा में, वे कक्षा में अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, है ना। नियम में क्या बताएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब वर लिखा, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो यहाँ पे हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, रीडिंग, पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पुस्तक। अपनी दे के साथ एडजेक्टिव क्या प्रयोग करते हैं? डियर, डियर बुक। अब आपका एडवर्ब क्या? प्लेस ऑफ एडवर्ब, कक्षा में। तो पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, इन द क्लास,
इन दी क्लास, कक्षा में पढ़ रहे थे, है ना। मैं अपना कार्य, मैं अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कर रहा था। कर रहा था, मैं अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रहा था। आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, वाच, आई के साथ वाच का प्रयोग करते हैं। करना, डूइंग, कर रहा था, क्या कर रहा था, अपना कार्य, माई वर्क, माई वर्क। अपना कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। बचा क्या है, एडवर्ब, ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था, माई वर्क, अपना कार्य, ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक। वह कक्षा में गीत गा रही थी, वह कक्षा में गीत गा रही थी। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी वाच, गाना क्या है, मेन वर्ब है, सिंग में आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग, गा रही थी गीत, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, गीत गा रही थी इन द क्लास। सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव पर, निगेटिव सेंटेंस देखने से पहले कुछ और देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वर का प्रयोग, वर कहां कहां पे आता है, वर और कहां कहां पे आता है, तो जहां पे जिस, यदि यदि दोनों क्लास के अंत में, देखिए यदि दोनों हिंदी क्लास के अंत में ता ते ती आए और इफ क्लाज, इफ क्लाज में होने का भाव आ जाए, होने का, होने का भाव पाया जाए, कह रहा है यदि हिंदी क्लाज के अंत में, है ना, यदि हिंदी के दोनों क्लाज के अंत में ता ते ती और इफ क्लाज में होने का भाव पाया जाता है, ऐसा वाक्य होता है, काल्पनिक होता है, है ना, अपनी इच्छा प्रकट की जाती है, है ना। इसी प्रकार इसका नियम क्या है, अनुवाद करने का नियम क्या है, देखते हैं। इफ, है ना, इफ सब्जेक्ट प्लस वर, इफ सब्जेक्ट प्लस वर, अब वहां पे क्या होगा, आगे नाउन या एडजेक्टिव, या तो नाउन आएगा या तो क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, है ना। अब सेकेंड क्लास क्या है, सब्जेक्ट प्लस उड या सुड आएगा, या तो उड आएगा या तो सुड आना चाहिए, नाउन
बेटा मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखिए क्या कह रहा है, इफ सब्जेक्ट वर्ब नाउन या एडजेक्टिव है ना, इफ वुड या शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जांपल देखते हैं, इसी का दूसरा दूसरे रूप से कर सकते हैं, वर्ब वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फिर दूसरा क्लास शुरू होता है आपका सब्जेक्ट वुड या शुड, मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का अर्थ सेम होता है। यदि एग्जांपल में जैसे बता दे, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, यदि मैं राजा होता तो पूरे संसार में क्या करता, शासन करता है ना, यदि मैं एक अध्यापक होता मैं तुम्हें पढ़ाता, इस प्रकार के वाक्य तो पूछे जाते हैं है ना। कह रहा है ये दोनों हिंदी क्लास के दोनों दोनों क्लास के अंत में ता ते ती हूं है ना, और इफ क्लास में होने का भाव पाया जाए तो यही कंस्ट्रक्शन बनता है ना। जैसे मैं यदि मैं पक्षी होता है ना, यदि मैं पक्षी होता, एग्जाम्पल देते हैं, देखिए यदि मैं एक पक्षी होता होता तो मैं आकाश में उड़ता, आकाश में उड़ता है ना। हिंदी के दोनों क्लास के अंत में क्या आ रहा है, ता ते ती आ रहा है, यहाँ पे ता आ रहा है और यहाँ पे ता आ रहा है, दोनों क्लास में ता ते ती आ रहा है, और क्या बताया गया था, इस क्लास में होने का भाव पाया जाएगा, ये इस क्लास में होने का भाव पाया रहा है, मैं एक पक्षी होता, मैं एक राजा होता, मैं एक अध्यापक होता है ना, तो दोनों में क्या है, ता ते ती और इस क्लास में होने का भाव पाया जा रहा है। ऐसे वाक्य क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं, काल्पनिक होते हैं है ना, इमेजिन पैदा होती है ना। तो देखते हैं इसका नियम क्या है, इफ लिखा गया था, इफ माने यदि, यदि मैं है ना, अब सब्जेक्ट क्या है, मैं एक पक्षी होता, मैं आई है ना, इसी के जस्ट बाद क्या बताया गया, वर। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के जस्ट बाद पहले क्लास में वर का प्रयोग करते हैं, नाउन या एडजेक्टिव बताया गया था, एक पक्षी अ बर्ड, अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता मैं आकाश में उड़ता, आई मैं उड, उड़ या सुड, चाहे उड़ का प्रयोग करेंगे चाहे सुड का प्रयोग, दोनों एक ही है ना, उड़ का प्रयोग करिए चाहे सुड, पर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, उड फ्लाई, फ्लाई माने उड़ना, कहा उड़ना, इन द स्काई, इन द स्काई, ये हुआ ना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड या शुड फ्लाई इन द स्काई। इसी का सेकेंड नियम क्या है, वर यदि आई वर अ बर्ड, तो की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, ठीक है ना, इफ या वेन के बाद वेन तो की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है ना, कुछ फ्रेंड सोच रहे हैं यहाँ देन क्यों नहीं लिखा जा रहा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो की इंग्लिश नहीं लिखा जाता कंडीशनल वर्ब में, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, आई वुड या शुड फ्लाई इन द स्काई, आकाश में, यदि मैं एक पक्षी होता मैं आकाश में उड़ता, ये तो रहा हिंदी वाक, आइए देखते हैं इसी प्रकार इंग्लिश वाक, इंग्लिश वाक देखते हैं कैसे पूछा जाता है ना। इफ Thank you.
आई वाज अ टीचर आई वुड टीच यू, है ना। देखिए बताया गया था इफ के वाक्य में, इफ वाले वाक्य में वर का प्रयोग होगा और सेकंड क्लास में क्या होगा, उड, उड के बाद यदि। इधर देखिए सेकंड क्लास में यदि उड लगा हुआ है, उड या शुड लगा हुआ है तो फर्स्ट क्लास में भी वर आना चाहिए, ऐसा ही नियम है, ठीक है ना। इंग्लिश वाक्य में ऐसा ही समझिए आप लोग, यदि सेकंड क्लास में उड या शुड का प्रयोग हुआ है तो फर्स्ट क्लास में भी वर का प्रयोग होना चाहिए, दोनों तरफ समझिए, इधर उड शुड का प्रयोग होना चाहिए, इधर वर का प्रयोग, जो कि इधर क्या हुआ है वाज का प्रयोग हुआ। ऐसे ही आयोग में पूछा जाता है, आयोग पूछता है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या होगा वर का प्रयोग होगा। यहाँ पे पूछा है इधर ना, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच यू, इस तरह। सेकंड देख लेते हैं, इफ ही जो कि क्या है बिल्कुल इरर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए उड होना चाहिए, उड या शुड, है ना, उड उड या शुड होना चाहिए और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। यदि वह राजा होता तो पूरे संसार में क्या करता, शासन करता, इस तरह। इसी प्रकार एक वाक्य देखते हैं, इफ यू वर माई ब्रदर, यू इफ यू वर माई ब्रदर, यदि तुम मेरे भाई होते, यू वुड हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करते। कहां पे इधर है, इधर तो इफ वाले वाक्य में वर्ब का प्रयोग हुआ है, है ना। सेकंड क्लास में उड के बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे हेल्प की बजाय क्या लिखा गया, हेल्प, जो कि क्या है बिल्कुल इरर है, यहाँ हेल्प होना चाहिए, है ना। हेल्प के अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई भी दूसरी फॉर्म नहीं आ सकती ऐसे वाक्य में। केवल एक वाक्य और देख लेते हैं, वर्ब कह रहा है, वर दे माय फ्रेंड, यदि वे मेरे मित्र होते, वे हमारी सहायता करते, है ना। ये वाक्य क्या है बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास में वर का प्रयोग हुआ है और सेकंड क्लास में उड, तो कॉम्बिनेशन क्या है बिल्कुल सही है, उड का प्रयोग हुआ है और वर की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और फर्स्ट क्लास में वर आया है ना, वर के बाद सब्जेक्ट नाउन या एडजेक्टिव आया है, ठीक। तो अगला नियम देखते हैं क्या है, आई विश, इसका अर्थ क्या होता है, काश, इच्छा प्रकट की जाती है, काश, काश मैं एक राजा होता, है ना, काश मैं एक अध्यापक होता, काश तुम मेरे भाई होते, काश वह मेरा मित्र होता, तो इसके बाद किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग। जहां पे आई विश के बाद वर पूछे,
वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वहां पे हम हमेशा वर्ब का प्रयोग ही करेंगे, है ना। तो देखते हैं वाक्य, आई, पहले हिंदी वाक्य एक दो देख लेते हैं। काश तुम मेरे मित्र होते, काश तुम मेरे मित्र होते। तो देखते हैं, आई विश, आई विश यू वर माई फ्रेंड, काश तुम मेरे मित्र होते, आई विश यू वर माई फ्रेंड। अगला वाक्य देखते हैं, आई विश देखिए क्या कह रहा है, आई विश काश ही वाज माई ब्रदर, काश वह मेरा भाई होता। यहाँ पे बताया गया आई विश के बाद, आई विश के बाद क्या किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है हमेशा, जहाँ पे आई विश आए उसके बाद ये वर्ब पूछ रहा है तो हमें वर्ब का प्रयोग करना है, विदाउट हेजिटेशन हमें वर्ब का प्रयोग करना। तो वहां पे गलती है, बी पार्ट में गलती है, तो वहां वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे इच्छा प्रकट की जाती है, है ना। और ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ग का प्रयोग करते हैं तब जाके वाक्य हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ही वर माई ब्रदर, है ना, काश वह मेरा भाई होता। आई विश यू यू आर किंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आर। सेकेंड ऑप्शन वर। थर्ड ऑप्शन चौथा ऑप्शन आई विश काश यू डैश अ किंग। यू के बाद क्या वर्ब पूछ रहा है और उसके बाद पहले क्या है, काश, इच्छा प्रकट की जा रही, काश तुम एक राजा होते। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वर, बिल्कुल सही, अच्छा चुने आप लोग, वर, यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार एक नियम और बच रहा है, देख लेते हैं। एच दो, एच इफ, इसका अर्थ क्या होता है, मानो की, मानो कि जैसा कि, जैसे कि, जैसे कि, एच दो एच इफ, मानो कि जैसे कि, मानो कि जैसे कि, दोनों का अर्थ सेम होता है, मानो कि जैसे कि। इसके बाद हमें यदि वर पूछना, वर पूछना रहा हो तो वर का प्रयोग करते हैं, है ना, एज दो एज इफ, जैसे कि, मानो कि। इसके बाद हम वर पूछा जाए तो वर का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या कहता है, वह ऐसे चलता है, वह ऐसे चलता है जैसे कि, जैसे कि वह एक
अभिनेता हो, अभिनेता हो, वह ऐसे चलता है जैसे कि वह एक अभिनेता है, अभिनेता हो, वह ऐसे चलता है मानो कि वह एक अभिनेता हो। तो इसमें क्या लिखना है, ट्रांसलेशन क्या है इसका? ही माने वह ऐसे चलता है, वॉक्स। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग पढ़े थे है ना, एज इफ चाहे एज इफ लिखिए, चाहे एज दो मानो कि वह एक अभिनेता हो ही। अब इसके बाद वर्ब का प्रयोग चयन करना है तो वर ही वर एंड एक्टर है ना, एंड एक्टर ही वॉक्स एज इफ या एज दो ही वर एंड एक्टर, वह एक अभिनेता हो। एक और देखते हैं, कह रहा है वह ऐसे हमारे मेरी सहायता करता है मानो कि और मेरा मित्र। वर्ब की चयन, वर्ब चयन करने कह रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन वाज, सेकंड ऑप्शन हैड, थर्ड ऑप्शन इज, फोर्थ ऑप्शन वर। वह ऐसे मेरी सहायता करता है मानो कि वह क्या हो, मेरा मित्र हो। एज इफ के बाद वर्ब हमेशा क्या होती है, वर। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, वर यहां पे लगेगा, वर और मेरा मित्र हो। आगे देखते हैं एक और, वह ऐसे व्यवहार करता है एज दो मानो कि वह क्या हो। यहां पे का क्या प्रयोग करेंगे आप, कहां पे इधर है, कह रहा ही बिहेव्स एज दो ही हैड द प्रेसिडेंट, कह रहा है किस पार्ट में गलती, चार भाग में आपका वाक्य बटा हुआ है, किस पार्ट में गलती है, ही बिहेव वह ऐसे व्यवहार करता है, ये सही है, आए दो जैसा कि ही, ये भी सही है। अब ही के बाद हैड का प्रयोग हुआ है दो आया है आपके वाक्य में, तो है दो या एज इफ के बाद के वाक्य में क्या होना चाहिए, वर। तो यहाँ पे क्या होगा, वर, जो कि सी पार्ट में अर्थात सी पार्ट में गलती है ना। अब वाक्य क्या हुआ, सही हुआ। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है प्लस नॉट है ना, नॉट फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब वही फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, तुम अपनी
माँ के साथ अपने गांव नहीं जा रहे थे। कह रहा है तुम अपनी माँ के साथ अपने गांव नहीं जा रहे थे, तो निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए यू, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, और इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग बताया जा रहा है नियम में, तुम नॉट रख दिए, अब मेन वर्ब जाना, आईएनजी फॉर्म गोइंग, जा रहे थे, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, गोइंग टू कहां जाया जा रहा है, अपने गांव, तो यू के साथ एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, योर विलेज, अपने गांव जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे, अपनी माँ के साथ, तो पहले हम प्रीपोजिशन लिखते हैं, के साथ क्या है, प्रीपोजिशन है विद, के साथ अपनी माँ के साथ, तो योर मदर अपनी माँ के साथ जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू योर विलेज विद योर मदर अपनी माँ के साथ। एक और देखते हैं, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, महान सम्राट अशोक है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे महान सम्राट अशोक। देखते हैं वाक्य, द एम्परर, द एम्परर अशोक, वैसे महान सम्राट अशोक बहुत सबसे ज्यादा प्रचार बौद्ध धर्म का ही प्रचार अशोक ने किया था, सबसे ज्यादा अपने पुत्र महेंद्र और कोई एक बेटी थी संगमित्रा शायद, है ना, श्रीलंका भेजे थे, वाक पे मत जाइएगा, ठीक है ना, तो कह रहा है द